नमस्कार, टीवी इंडिया के खबर दिनभर में आपका स्वागत है। आज खबर दिनभर में होंगी दिनभर की वो खबरें जो रही सुर्खियों में। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान जहां होंगे वहां वो चक्का जाम कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे, हम दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन कभी कमज़ोर नहीं हुआ, लगातार हमारी लड़ाई जारी है, हमारा दिल्ली घेरने का प्लान नहीं है, लेकिन हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। किसानों की लड़ाई सड़क से संसद तक चल रही है। एक तरफ किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस की मांग कर रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं, वहीं विपक्षी दलों के सांसद संसद के अंदर किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। इस मसले पर बुधवार को राज्यसभा में जमकर नारेबाजी हुई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने इस आंदोलन को शाहीन बाग न बनाने की बात कही। सांसद भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि सरकार ने नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों के उत्थान का काम किया है, बावजूद इसके विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार किसानों से कई दौर की बात कर चुकी है और चर्चा के रास्ते खुले हैं, सरकार इससे जुड़े सभी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन मैं अपने दोस्तों से अपील करता हूं कि इसे शाहीन बाग ना बनने दें। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना ने मंगलवार को किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए ट्वीट कर प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बंद करने की आलोचना की। रिहाना विश्व स्तर की पहली स्टार हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। उन्होंने CNN के एक लेख के साथ ट्विटर पर लिखा कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, हैशटैग किसान आंदोलन। इस पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे राष्ट्र पर कब्जा जमा लें और USA जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दें। तुम शांत बैठो बेवकूफ़, हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं जो अपने देश को बेच दें। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह, सुशील गुप्ता और NDI गुप्ता को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया था, जिसके कारण बैठक करीब 5 मिनट के लिए स्थगित की गई थी। सभापति ने उन्हें नियम 255 के तहत दिन भर के लिए निलंबित कर दिया और तीनों सदस्यों को सदन से बाहर जाने को कहा, पर निलंबित सदस्यों ने आसन के निर्देश को स्वीकार नहीं किया और सदन में ही बने रहे। इस पर सभापति ने 9:35 पर बैठक 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बैठक फिर शुरू होने पर सभापति नायडू ने तीनों सदस्यों को बाहर जाने को कहा, लेकिन वो नहीं गए। के बाद उन्होंने मार्शल की मदद से तीनों सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया। पाकिस्तानी सैनिकों ने मंगलवार को गोलीबारी कर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया, जिसका भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि दोपहर करीब 2:45 पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के मनकोटे सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी कर और मोर्टार दागे, संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने कस्बा करनी और मेंढर सेक्टर में भी गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर ने नियंत्रण रेखा के पास 2020 में पाकिस्तान ने सर्वाधिक 5,400 से अधिक बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया था और इस बार भी 2021 में वैसा ही चालू है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस अब बड़ी और निर्णायक तैयारी में जुट गई है। इस बाबत पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए दीप सिद्धू समेत दिल्ली हिंसा में आरोपी 8 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और 4 आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जिसमें दीप सिद्धू, जयराज सिंह, गुरजोत सिंह पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अन्य आरोपियों जसबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। यहां बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से भी ट्रैक्टर परेड की आड़ में उपद्रव करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें लाल किले में उपद्रवियों द्वारा ऐतिहासिक इमारत में तोड़फोड़ करने के साथ ही गुंबद का कलश लूटे जाने का आरोप लगाया गया है। मॉस्को की एक अदालत ने रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को उनके ऊपर
हुए नॉर्वे एजेंट हमले का जर्मनी में उपचार कराने के दौरान जमानत की शर्तों के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए 2.5 वर्ष से ज़्यादा की कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के विरोध में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में विरोध प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कटु आलोचक नोवलनी ने अदालती कार्रवाई को देश के लाखों लोगों के डराने का मिथ्या प्रयास बताया है। फैसला सुनाए जाने के बाद प्रदर्शनकारी मध्य मॉस्को के कई इलाकों में और सेंट पीटर्सबर्ग के मुख्य स्थान में इकट्ठा हो गए। इस पर अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने अदालत के आदेश के बाद कहा, हम नोवलनी को तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहा करने की रूसी सरकार से अपनी मांग को दोहराते हैं। साथ ही हाल के समय शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और अभियुक्त की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे लोगों को हिरासत से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। अमेजन को दुनिया भर में खरीदारी का महारथी बनाने वाले कंपनी के मालिक जेफ बेजोस जल्द ही सीईओ पद से हट जाएंगे। कंपनी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि करीब 30 वर्षों तक इस पद पर रहने के बाद अब कार्यकारी अध्यक्ष की नई भूमिका में होंगे। बेजोस गर्मियों में अपना पद छोड़ेंगे और इनकी जगह अमेजन के क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवसाय का संचालन करने वाले एंडी जेसी लेंगे। बेजोस ने कर्मचारियों को लिखे एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उन्होंने नए उत्पादों और अमेजन में विकसित की जा रही शुरुआती पहलों पर ध्यान देने की योजना बनाई है। अन्य परियोजनाओं पर ध्यान देने के लिए इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अमेजन के मुख्य वित्तीय अधिकारी ब्रायन ने बताया कि जेफ वास्तव में कहीं नहीं जा रहे, यह कामकाज के पुनर्गठन जैसा है। महाराष्ट्र के वर्धा में भूगांव स्थित उत्तम स्टील वैल्यू में आज सुबह 11:15 बजे हादसा हुआ। हादसे में 34 कर्मियों के झुलसने की खबर है, जिसमें से 6 कर्मियों की हालत चिंताजनक बताई गई है। 4 कर्मियों को उपचार हेतु नागपुर भेजा गया है। अन्य घायलों को सेवाग्राम व सावंगी के अस्पताल में दाखिल किया गया है। घटना के उपरांत जिलाधिकारी विवेक भीमनवार समेत पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार उत्तम गलवा मेटालिक ग्लास फर्नेस यूनिट में शटडाउन का काम शुरू था। इसी दौरान अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें वहां कार्यरत 34 कर्मचारी आग की चपेट में आ गए। सांसद रामदास तरस ने कंपनी के अधिकारी व जिलाधिकारी विवेक भीमनवार को फोन पर चर्चा कर घायलों की जानकारी लेकर उन्हें कंपनी द्वारा उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मुंबई से सटे नाला सोपारा से लॉकडाउन के दुष्परिणाम दिखाती एक खबर सामने आ रही है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति ने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि कुछ कुत्तों ने उसकी सभी मुर्गियां खा डाली थी। दरअसल नाला सोपारा में रहने वाले 60 वर्षीय थॉमस रूम्बे लॉकडाउन से पहले वाद बजाने का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में काम नहीं होने पर उन्होंने मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू किया था। काम ठीक से चलना शुरू हुआ था कि 3 दिन पहले कुछ कुत्तों ने थॉमस की सभी मुर्गियां खा डाली, जिससे दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये घटना दिखाती है कि लॉकडाउन ने किस तरह लोगों के जीवन को बर्बाद किया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।